देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ पहुँचने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कात्यूहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है और इसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप जहां दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। भगवान केदार के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर बैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ पाया जाता है। ऐसे ही मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था तब उन्हें इस बात की ग्लानि होने लगी। उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है, उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैलों का रूप धारण किया और बैलों के झुंड में जाके शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।